राजनंद गांव के चिकली क्षेत्र में रहने वाले शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास गजभिये को शादीशुदा महिला से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी पर महिला के पति को भी जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। मामला सामने आने के बाद शहर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कुछ दिनों पहले विकास गजभिये का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी पर कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। जानकारी के अनुसार शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव और दिग्विजय कॉलेज जनभागीदारी के सदस्य विकास गजभिये के खिलाफ चिकली थाना चौकी में एक विवाहिता महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उक्त व्यक्ति द्वारा उनके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिस पर चिकली पुलिस की टीम ने जांच की और दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि आरोपी विकास गजभिये लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है और कई बड़े नेताओं के संपर्क में भी रहा है, इसलिए मामला सामने आने के बाद राजनीतिक दबाव भी बनाया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए अंततः कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चौकी चिकली क्षेत्र में 25 मार्च को प्रार्थी की कंप्लेंट के ऊपर 376 की FIR की गई है, जिसमें विकास नाम का व्यक्ति है, इसके ऊपर FIR किया गया और उनको अरेस्ट कर न्यायालय पेश कर जुडिशियल रिमांड में भेजा गया। इसमें जितने पर्याप्त साक्ष्य आए हैं तो उसी के ऊपर उनकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें आगे विवेचना चल रही है। बाकी किसी पार्टी है उससे तो इसका नॉलेज नहीं है मुझे। और कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं है, ना कार्यकर्ताओं को काम मिल रहा है और फिर सरकार ध्यान दे, ठीक है। हमारे बघेल जी जो हमारे काका है वो कार्यकर्ताओं की इज्जत करें और सम्मान करें। कांग्रेस के ठेकेदार जो बन गया वो अपना अपना देख रहे हैं, उसको क्या करना है भाई। कार्यकर्ताओं को इज्जत करें क्या, बताओ। कोई सम्मान मिल रहा नहीं मिल रहा है, सम्मान उनको काम मिलना चाहिए, काम नहीं मिल रहा है। चुनाव समय याद करते हैं उन लोग को, बाकी समय कहाँ भूल जाते हैं।